हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। माय सेल्फ अभिषेक बिना किसी देर करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सो आज हमारे सामने खड़ी है KTM ड्यूक 125 2023 लेटेस्ट लॉन्च है। BS6 है, इथेनॉल 20 पेट्रोल डाल के भी आप इसको चला सकते हैं। ये देखिए इथेनॉल 20 की भी आपको बैचिंग देखने के लिए मिल जाएगी। सो वन बाय वन करके हमें कंप्लीट डिटेल रिव्यू करेंगे इसका। सो सबसे पहले मैं आपको एक वॉक अराउंड दे देता हूँ। व्हाइट कलर के अंदर बाइक है और ब्लैक कलर के अंदर अलॉय व्हील्स है। काफ़ी अच्छी लग रही है भाई देखने में, तो एक वॉक अराउंड तो बनता है भाई। ये देखो ऐसा कुछ इसकी भाई कंप्लीट दिखती है बाइक। सो सबसे सस्ती जो बाइक है ना KTM की वो यही है भाई 125, और एक जिसे कहते हैं ना अच्छी माइलेज वाली भी वो यही बाइक है। सो इसकी जो ऑन रोड प्राइस आपको देखने को मिल जाएगी जयपुर के अंदर वो पड़ेगी 2,03,000। ओके, 2,03,000 में आप ये घर ला सकते हैं। KTM की सबसे सस्ती बाइक है, और KTM की अगर आपको बाइक ऑन करने का मन है तो आप इसको ला सकते हैं भाई। ओके, सो 2,03,000 आपको देखने के लिए मिल जाएगी इसकी ऑन रोड प्राइस, और हर जगह स्टेट टू स्टेट वेरी करेगी। 1,000 से 2,000 के डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा, कोई खास बड़ा डिफरेंस आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। ओके, फ्रंट से बात करते हैं अब इसकी एक एक स्पेसिफिकेशंस की। तो भाई 17 इंच अलॉय व्हील्स देखने के लिए मिल जाएगा आपको, ट्यूबलेस टायर, 110/70 का सेक्शन है टायर्स का, WP अपेक्स के आपको अप्स एंड डाउन फोर्स सिस्टम आपको देखने के लिए मिल जाएगा। मड गार्ड जो है वो आपको ब्लैक कलर के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा, ग्लॉसी ब्लैक। ट्यूबलेस टायर है, 3.5 mm की डिस्प्ले आपको देखने के लिए मिल जाएगी। सिंगल चैनल ABS है बाइक, डुअल चैनल ABS नहीं है। ये चीज़ मुझे कहीं ना कहीं लगी कि यार डुअल चैनल होनी चाहिए थी सेफ्टी मेजर्स के हिसाब से। बायबर्स के आपको कैलिबर्स देखने के लिए मिल जाएंगे फ्रंट के अंदर, और अभी फ्रंट के अंदर बात करूँ तो LED हेडलाइट नहीं है इसके अंदर, नॉर्मल हैलोजन लाइट्स हैं, जो कि मुझे लगता है कि यार LED कर देनी चाहिए, क्योंकि इसके सेगमेंट की जो बाइक्स हैं ना जितनी भी, उनमें भाई सब में LED लाइट आपको देखने के लिए मिल जाएगी, बट ड्यूक 250 में आपको हैलोजन लाइट ही देखने के लिए मिलेगी। ओके, LED इंडिकेटर्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे इसके अंदर। मीटर जो है वो भाई पहले वाला ही है, जो अभी तक कोई अपडेट नहीं है मीटर के अंदर। BS3 BS4 में जो आता था मीटर, वही वाला मीटर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ओके, टैंक जो है वो वाइट कलर के अंदर है। 125 की आपको बैचिंग देखने के लिए मिल जाएगी राइट एंड लेफ्ट साइड दोनों तरफ। और टैंक की बात करूँ तो टैंक आपको 13.4 लीटर का फ्यूल टैंक आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इथेनॉल 20 की आपको यहाँ पे बैचिंग देखने के लिए मिल जाएगी, और राइट एंड लेफ्ट साइड दोनों तरफ आपको ड्यूक 125 की बैचिंग देखने के लिए मिल जाएगी। ओके, ये देखिए। सो अभी बात करते हैं भाई इंजन की। तो इंजन आपको 124 cc का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। 6-speed गेयरबॉक्स वाला इंजन है आपको, 1 down बाकी सारे अप। ओके, यहाँ पे आपको रेडिएटर का जो फैन है वो मिडल में देखने के लिए मिलेगा। स्प्लिट चैचेस आपको देखने के लिए मिल जाएगा, और इससे क्या है वेट रिडक्शन होता है, जिनको नहीं पता मैं बता दूँ, इससे वेट रिडक्शन होता है, स्टेबल रहती है बाइक, और पावर टू वेट रेशियो थोड़ा बढ़ जाता है। ओके, सीट जो है वो कंफर्टेबल है, बट पीछे वाली तो भाई अनकंफर्टेबल सी है, थोड़ी ब्रेक की तरह एकदम, थोड़ी पीछे वाली पे ध्यान देना चाहिए KTM को। और फ्रंट में तो काफ़ी भाई अच्छी सीट आपको देखने को मिल जाएगी। माइलेज जो है भाई इसका वो काफ़ी अच्छा आपको देखने के लिए मिल जाएगा, अप्रॉक्स 35-40 तक आपको माइलेज इसका देखने के लिए मिल जाएगा। ओके, मतलब कई लोगों ने तो भाई 50-50 तक का भी माइलेज इससे निकाल रखा है। 125 cc की है ना भाई, तो इससे काफ़ी अच्छा मतलब आपको माइलेज देखने के लिए मिल जाएगा। ओके, सिंगल आपको शॉकर देखने के लिए मिल जाएगा मोनोशॉक, और पीछे की बात करूँ तो 17 इंच अलॉय व्हील्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। बायबर्स के कैलिबर्स आपको देखने के लिए मिल जाएगा, 2.5 mm के डिस्प्ले आपको देखने के लिए मिल जाएगी। ओके, 150/60 का आपको टायर सेक्शन देखने के लिए मिल जाएगा, और KTM के यहाँ पे आपको हगर देखने के लिए मिल जाएगा, और पीछे LED लाइट्स आपको ऐसी कुछ देखने के लिए मिल जाएगी। बैक लाइट की बात करूँ तो ऐसी आपको देखने के लिए मिलेगी, और फुटरेस्ट की बात करें तो भाई ये भी दिखा देता हूँ मैं एक बार आपको, ऐसे कुछ आपको फुटरेस्ट देखने के लिए मिलेंगे आपको। और गियर सिस्टम जो है वो 1 down बाकी सारे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है सेफ्टी मेजर्स के हिसाब से। साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर का जिनको मतलब नहीं पता मैं आपको बता दूँ, साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर का मतलब ये होता है भाई, अगर आपने गाड़ी का इग्निशन स्टार्ट करा, और इग्निशन स्टार्ट करने के बाद में आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं नॉर्मली, और आप गियर डाल के आप अगर गाड़ी को आगे लेके जाते हैं और साइड स्टैंड लगा हुआ रहता है, तो भाई गाड़ी ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर का ये मतलब रहता है। ओके, सो भाई एक कंप्लीट डिटेल रिव्यू हो गया है मेरी तरफ से तो 125 cc का। और अगर आपको कुछ भी इसके बारे में क्वेरीज वगैरह हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको ट्राई करूँगा पूरा बताने की। सो ऐसी कुछ भाई 125 का जो सेक्शन का जो कलर मतलब कलर सेक्शन है ना, वो मुझे यही पर्सनली अच्छा लगता है सबसे ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा भाई यही लुक को जो है ना भाई इन्हेंस करके जाता है, क्योंकि ये जो ब्लैक कलर की जो थीम है ना वो काफ़ी अच्छी लगती है भाई। ये ब्लैक कलर के अलॉयज, ये ब्लैक कलर का पीछे से चैचीज, तो ये देखो भाई ड्यूक 250 में भी सेम एज इट इज़ ब्लैक कलर की थीम चल रही है अभी, जो कि काफ़ी अच्छी लग रही है भाई देखने में। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना भाई। अगर आपको और भी वीडियोज़ वगैरह देखनी हो KTM की, मेरे चैनल पर आप जाके देख सकते हैं, मैंने सबका रिव्यू और कंप्लीट डिटेल स्पेसिफिकेशन वगैरह की भी बात कर रखी है।